अरे सभी सीएम योगी की, योगी कुछ बोल रहे हैं सुनिए। मैंने देंगे तो प्रशासन के साथ संवाद बनाना, गांव के अंदर शांति सुव्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की अव्यवस्था अराजकता का माहौल ना बने, इसके लिए स्थानीय थाना प्रशासन के साथ एक बेहतर संवाद बनाना, ये चीजें अगर आप लोग कर पाएंगे तो युवक मंगल दल के प्रति लोगों के मन में एक विश्वास जागृत होगा। ठीक है जी, चलिए निखिल जी आपको बहुत बहुत बधाई, और आप लोग जो है सभी अपने जितने भी आपके युवा साथी हैं, मुझे लगता है कि नयापार में ऐसा तो नहीं कि एक डिप्पल वर्मा जी गोरखपुर की डीएम थी तो इन्होंने आपको जबरदस्ती पहले से जान पहचान रहा होगा है? नहीं सर, ऐसा पहले पहचान नहीं थी कि इनसे? नहीं सर। तो डीएम के रूप में काफी दिन गोरखपुर में रहे हैं। चलिए बहुत सुंदर बधाई। अलीगढ़ खैर विकास खंड ग्राम पंचायत बझेड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे आलोक कुमार। अलीगढ़ से माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम। मैं आलोक कुमार, युवक मंगल दल अध्यक्ष बझेड़ा विकास खंड खैर जनपद अलीगढ़ से। क्या कर रहे हैं आप आलोक जी? सर हमारा जो युवक मंगल दल है और साथ ही महिला मंगल दल है, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, जैसे अगर हम बात करें स्वच्छता के अंदर, तो स्वच्छता कार्यक्रम सर सप्ताह में एक बार हम अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक स्वच्छता के लिए कार्यक्रम रैली निकालते हैं या फिर कहीं भी गोष्ठी का आयोजन कर देते हैं। और साथ ही आपदा प्रबंधन के समय जो हमारा एक महामारी चल रही है सर, इस संबंध में सर हमारे युवक मंगल दल और महिला मंगल दल ने काफी सराहनीय कार्य किया, जिसका हमें माननीय हमारे डीएम साहब से और हमारे सीडीओ सर से भी हमें सराहना मिली है, जिसमें सर हमने हमारे महिला मंगल दलों ने उस टाइम पे मास्क बनाए थे अपने हाथों से कपड़े से, और उसको फिर जगह जगह बंटवाया था सर। और सर विभिन्न जैसे देखिए साक्षरता के प्रति भी जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता है जी। वहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं, वे बच्चे स्कूल जा सकें, शासन की योजनाओं से उन बच्चों को जोड़ने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और खेल कूद के प्रति लोगों को जागरूक करके नशा आदि की दुष्प्रवृत्ति से उनको दूर करने की आवश्यकता, और खेल कूद के प्रति जागरूक करने, स्कूल जा सकें या कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाने, इसमें बहुत बड़ा काम युवक मंगल दल और महिला दलों के द्वारा किया जा सकता है जी सर। चलिए बहुत बहुत बधाई आलोक जी आपको और आपकी टीम के पूरे सदस्यों को। फिरोजाबाद बताइए, तेजेंद्र प्रताप सिंह जी आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आपका जो है युवक मंगल दल कितने लोग इसमें हैं? प्रणाम सर, मैं युवक मंगल दल खैर का अध्यक्ष हूँ, और हमारे युवक मंगल दल में हम पूरे गांव के बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो सभी इसमें लग के अपने खेलकूद के माध्यम से आगे बढ़े, अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, आगे बढ़े। और इसके साथ साथ सर हम कोरोना काल में हमने निगरानी समिति बनाई थी, जिसमें बाहर से आने वाले लोगों को हमने क्वारंटाइन करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया था, जिसमें लोगों को वहां रखा गया और उनके रखरखाव की पूरी व्यवस्था हम लोगों ने ग्राम पंचायत और हमारे युवा कल्याण विभाग के सहयोग से की थी। उसके खेल का मैदान है गांव में खेल का मैदान है खेल का मैदान है गांव में। उसी में करते रहते हैं, क्योंकि फुटबॉल वगैरह होगा तो उसके लिए मैदान चाहिए ना, वॉलीबॉल होगा उसके लिए मैदान चाहिए। गांव में ओपन जिम का निर्माण नहीं हुआ क्यों? आवाज नहीं सुनाई दे रही वहां पे? फिरोजाबाद
क्यों आवाज नहीं आई आपकी? आपके गांव में खेल का मैदान है या नहीं है? सर हमारे एक इंटर कॉलेज है जिसके मैदान का हम लोग उपयोग करते हैं खेल के लिए। अच्छा, ओपन जिम? जी सर। ओपन जिम? ओपन जिम सर हमारे यहाँ एक इसको बनाना चाहिए गांव के लोगों को। देखिए युवा पीढ़ी नशा से दूर हो जाए और अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का उपयोग गांव के विकास के लिए, समाज में रचनात्मक कार्यों के साथ और अपने स्वयं के व्यक्तित्व के निर्माण की तरफ कर सके तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, क्योंकि ये पूरे देश के लिए बड़ा उपयोगी होगा, देश की ऊर्जा का प्रतीक बन सकता है। इसलिए युवक मंगल दल को इसी उद्देश्य से प्रोत्साहित करने के लिए सभी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। धन्यवाद आपको तेजेंद्र प्रताप सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बांदा से बांदा से जुड़ रहे हैं प्रमोद बांदा सर, माननीय सम्माननीय परम पूज्य हमारे मुख्यमंत्री जी हमारा सादर प्रणाम। प्रमोद कुमार जी क्या कर रहे हैं आप लोग? जी सर हम गांव में खेलकूद कार्यक्रम सर करवाते हैं, जो यहाँ से हमें किट मिलती है आपके द्वारा प्रदान की गई है सर, तो उसी के खेलकूद होते हैं। कितने लोग हैं आपके यहाँ युवक मंगल दल में? आपके साथ कितने लोग हैं गांव के? जी सर युवक मंगल दल में हमारी टीम में 15 सदस्य प्लस गांव के अन्य जो युवा है उनको खेलकूद के लिए हम सम्मिलित कर लेते हैं। बहुत सुंदर, सभी लोगों को कोई भेदभाव तो नहीं करते किसी के साथ? नहीं सर कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ, सभी लोग सभी बच्चे अलग अलग प्रकार के खेल के साथ जुड़ते हैं, फिर प्रतियोगिताएं भी क्या करिए ना खेल में, सब सर एक साथ मिलजुल कर खेलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और क्या कोई विशेष कार्यक्रम आपको, स्पेशल कार्यक्रम युवक मंगल दल के द्वारा प्रशासन के साथ सहयोग करने और अन्य कोई कार्यक्रम करने का कोई आयोजन होता है वहाँ पे? जी सर अभी कोई जब COVID-19 के दौरान सर हमने लोगों को जागरूक किया कैसे कोरोना से बचाव करना है, जो बाहरी लोग आए थे हमारे यहाँ जसपुरा में इंटर कॉलेज में सेंटर बनाए गए था, बाहर आने वालों को सबको जांच के द्वारा पहले वहां पर रखा जाता था, इसके बाद ही उनको घर जाने दिया जाता था। बहुत सुंदर, बधाई, बहुत बहुत बधाई। गोंडा तरफगंज से गोंडा जन... सर नमस्कार सर, यहाँ पर संदीप मिश्रा जी हमारे साथ है, बात करेंगे। मुख्यमंत्री को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते संदीप जी, क्या करते हैं आप लोग? तो लगातार तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे, आपने देखा किस तरीके से सीएम योगी जो है संवाद कर रहे थे, और लगातार सीएम योगी जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और प्रदेश को विकास की ओर लगातार ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो आम जनता तक पहुंचे इसके लिए पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। जो ये आज स्पोर्ट्स किट उपलब्ध किया जा रहा है युवा कल्याण विभाग की ओर से, इसके लिए मैं आपके और आपके पूरे टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगी कि वर्ष 19-20 के जो प्रोत्साहन सामग्री है उसको अपने कर्मकर्मियों द्वारा हमारे युवक और महिला मंगल दल से आए सदस्यगण को वितरित करने की कृपा करें, और हाउस के सूचना के लिए अवगत कराना है कि खेल सामग्री में इस वर्ष हम 4 अदद वॉलीबॉल नेट 2 अदद, फुटबॉल 4 अदद, इन्फ्लेटर 2 अदद, डिप स्टैंड 2 अदद,
स्किपिंग रोप एक अदद प्रदान कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगी कि अपने सब उम्मीदवार एक एक करके आएंगे हैं। नाम पुकारे आप वहां से बोलेंगे तभी ना, वहीं से बोलते रहिए आप। आइए कौन है सर? उधर से आएंगे वहां से। शकील अहमद आइए। ग्राम पंचायत भगवानपुर से आइए, जयपुर महाराज। आओ जी लीजिए बधाई। अगला रेशमी आप एक तरफ हो जाइए तो भैया। ग्राम पंचायत नदवा जनपद महाराजगंज आइए। दो दो देना है सर, एक को दो देना है सर, एक को दो देना है, दो देना है। तुम भी ले जाओ तो अपन एक में नहीं आ पा रहा था तो दो लो। चलो आप दूसरा भी ले। ग्राम पंचायत कुटहा जनपद चित्रकूट। दो ना दो दो ही एक एक नहीं दो दो महेश प्रसाद धनपालपुर वाराणसी। ये भी लो। ये भी आनंद कुमार सिंह गाजीपुर। अनुराग त्यागी राजा का ताजपुर जनपद बिजनौर। पूनम कुमारी रायपुर लड़का बिजनौर। सौरभ कुमार गुप्ता एक और जी से भी ले लो। दौलतपुर जनपद हरदोई। कुमारी इशिता गुप्ता दौलतपुर जनपद हरदोई। आशीष कुमार असफपुर जनपद इटावा। ये भी और कोई है? हाँ हाँ एक और है। और अभी एक है दो लोग और दो हैं है जरूर आप एक और जो भी ले लो। आओ जी एक मिनट आपके आओ एक और जी। एक किसका बच गया है? ये दो दो लेके जाएंगे उपलब्ध पहली बार नहीं है। चलो मैम बाद में करना पहले बोल देते थे ना। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। प्रदेश के मंगल दलों के प्रोत्साहन स्वरूप आज खेल सामग्री युवा कल्याण विभाग के द्वारा वितरण के आज के समारोह में लखनऊ में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश के खेल और युवा विभाग के मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, उत्तर प्रदेश युवा परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. विभाड़ चंद कौशिक जी, विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती डिंपल वर्मा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, विभिन्न जनपदों में उपस्थित जिलाधिकारीगण और युवक मंगल और महिला मंगल दलों से जुड़े हुए सभी अध्यक्ष अन्य पदाधिकारी और प्रतिभागीगण, मैं सबसे पहले विभाग को प्रदेश के युवाओं को एक रचनात्मक दृष्टि देने के लिए हृदय से बधाई देते हुए
उन सभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्हें आज खेल सामग्री उपलब्ध हो रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 67,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला दल हैं, जिन्हें ये स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है और भी अन्य चीजें इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हमारी हमारा जो युवा है वह राष्ट्र शक्ति का प्रतीक है। एक युवक कल का नहीं आज का नागरिक है। आज उसका दृष्टिकोण अगर सकारात्मक है तो अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा के माध्यम से आज ही उज्जवल भविष्य की नींव भी रख देगा, जो किसी भी समाज और अंततः राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और इस दृष्टि से युवा कल्याण विभाग एक वर्ष में दो बड़े कार्यक्रम कर रहा है। याद करिए, विगत वर्ष इसी वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में देश के 6,000 से अधिक युवाओं का एक बड़ा सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ था। अब तक का ये सबसे बड़ा युवा कुंभ था और आज हर जनपद में हमारे मंत्रियों जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से युवक मंगल दल और महिला दलों को वहां पर खेल की सामग्री उपलब्ध कराने का एक जो बृहद अभियान युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है, मैं इसके लिए सभी युवक मंगल दल और महिला दलों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ऊर्जा सबके पास है, लेकिन ऊर्जा की दृष्टि क्या है ये व्यक्ति पे और समाज पे निर्भर करता है। अगर हमारी दिशा रचनात्मक है, सकारात्मक है, तो हम स्वयं के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने प्रदेश के लिए भी और अपने देश के लिए भी उपयोगी होंगे। अगर हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है तो हम स्वयं के लिए तो बोझा बनेंगे ही बनेंगे, समाज के लिए भी और अंततः देश के लिए भी एक बोझा बन जाएंगे। खेल सामग्री वितरण के पीछे का उद्देश्य भी यही है। आप सब जानते हैं, प्रदेश सरकार ने इससे पहले एक व्यवस्था बनाई, हर ग्राम पंचायत में हम लोग खेल का मैदान बनाएंगे, प्रयास प्रारंभ किया। बहुत सारे गांवों में लोगों ने रुचि लेकर के खेल के मैदान बनाए, ओपन जिम का निर्माण कराया। ओपन जिम के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि बच्चे जाएंगे, फालतू समय में वह खेल के प्रति थोड़ी भी जागरूकता होगी, किसी को भी इसके साथ जुड़ने का एक अभ्यास होगा, धीरे धीरे करके प्रयास करके सब कुछ हो सकता है। उसी रचनात्मकता के साथ जोड़ने का एक क्रम जो प्रारंभ किया गया, आज उसी की एक नई श्रृंखला है कि युवा कल्याण विभाग स्पोर्ट्स के ये सभी किट प्रदेश के युवक मंगल दलों को उपलब्ध करा रहा है। एक बहुत बड़ा कार्य है, देखने के लिए एक वॉलीबॉल या फुटबॉल होगा, लेकिन अपने युवाओं के बारे में एक सकारात्मक सोच, और सकारात्मक सोच इस बात का कि नहीं,
इन युवाओं की ऊर्जा का उपयोग समाज के लिए और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इनके माध्यम से एक बड़ा कार्य करना है। और मुझे लगता है कि विभागीय मंत्री ने रुचि ली, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पुलिस में भर्ती होने के लिए राह खोल रही है कि अच्छे युवा पुलिस की भर्ती में बहुत शामिल हो सकें। इसके लिए स्पोर्ट्स के माध्यम से एक नया रास्ता आपके लिए खोला जा रहा है, तो एक अच्छा कार्य है ये, और मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो 20 वर्षों से बंद पड़ी स्कीम थी, युवाओं के बारे में जो लोग सोच नहीं रखते थे, अपने साथ युवा जोड़ना पसंद करते थे, लेकिन युवाओं के साथ कोई अच्छा कार्य हो सके, युवा अच्छी दिशा में आगे बढ़ सके, ये सोच ही नहीं थी। और उसका दुष्परिणाम क्या होता था कि एक बड़ी संख्या में युवा नशा की ओर जाता था। मुझे आश्चर्य होता है गांव में युवाओं की बड़ी संख्या। अगर ये हमारी ताकत नकारात्मक दिशा में जाएगी, नशा की तरफ जाएगी, आपसी झगड़े फसाद में फंसेगी, छोटे छोटे विवादों को अनावश्यक तूल देती हुई दिखाई देगी, ये गांव का भी, समाज का भी और अंततः राष्ट्र की भी अपूर्णीय क्षति है। इसे सकारात्मक दृष्टि देना। आप देखते होंगे खेल में टीम वर्क होता है और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होती है। हमें क्षमता होगी तो हम खेल जीतेंगे, नहीं होगी तो अगली बार के लिए प्रयास करेंगे। याद रखना, ये टीम वर्क ही समाज की सफलता का आधार बनता है। जीवन के हर एक क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पे अगर टीम वर्क नहीं, एक परिवार में अगर 6 सदस्य हैं और 6 के स्वर अलग अलग हैं, वह परिवार कभी एक साथ नहीं इकट्ठा होकर चल सकता। एक कहेगा कि मैं 9 बजे भोजन करूंगा, दूसरा कहेगा कि नहीं मैं 2 बजे करूंगा, तीसरा कहेगा कि मैं तो रात्रि को 12 बजे करूंगा, और इसी को लेकर के विवाद होता रहेगा, तब तो चल गया परिवार। परिवार के मुखिया ने भोजन एक बार बनाया, सबको बिठाया, परोसा, सबने एक साथ पाया, ये परिवार की व्यवस्था चल गई। एक व्यक्ति की पसंद सबकी पसंद नहीं हो सकती, एक सामूहिकता का निर्णय एक साथ चलता है और परिवार की व्यवस्था चलती है। ऐसे ही समाज की व्यवस्था भी होती है। एक टीम वर्क जब भी किसी व्यवस्था के साथ जुड़ती है तो ताकत कई गुना बढ़ जाती है। को विशेष प्रयास करने चाहिए और इस पर हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए, और यह काम युवक मंगल दल बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, हर एक ग्राम पंचायत में कर सकता है। इसी प्रकार से गांव में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं या जूनियर हाई स्कूल होंगे, वहां की व्यवस्था ठीक हो, वहां की किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, गांव के उसके साथ ग्राम पंचायत को जोड़ना, कुछ अच्छे रचनात्मक कार्यों के साथ जोड़ने के साथ साथ युवक मंगल दल और महिला दलों को तमाम स्वरोजगार से जुड़ी हुई शासन की स्कीम के साथ जोड़ने का काम भी हो सकता है। इसमें सबको रुचि लेनी पड़ेगी, इन दलों के साथ साथ प्रशासन भी अगर इसमें रुचि ले लेगा, एक बड़ा कार्य हो जाएगा। और मैं चाहूंगा विभागीय मंत्री उपेंद्र तिवारी जी, हर राजस्व गांव में, इसके बाद का लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हर राजस्व गांव में हम लोग युवक मंगल दल का गठन करके उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाएंगे। और अगला जो कार्यक्रम हो, प्रयास हो, तब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त हो जाए और फिर एक बड़ा युवक मंगल दल और का एक सम्मेलन और महिला दलों का एक सम्मेलन प्रदेश के अंदर बृहद पैमाने पर करने की एक व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जिसके माध्यम से उनके पास, उनको एक जो कार्य उन्होंने दिए उसके अनुभव का लाभ प्रदेश सरकार ले सके, ये जानकारी ले सके, और जो शासन अपेक्षा करता अपने युवाओं से, उन युवाओं की उस रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग भी हम एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ा सके। इस व्यवस्था के साथ मैं आज के इस अवसर पर, जब इतने बड़े पैमाने पर यह खेल सामग्री
प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध हो रही है, इसके लिए विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ साथ जिन युवक मंगल दल और महिला दलों को आज ये खेल सामग्री उपलब्ध हो रही है, वे बिना भेदभाव के गांव के अंदर एक उत्साहपूर्ण माहौल बनाने का अपना कार्यक्रम रचनात्मक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। और मैं जरूर चाहूंगा नशा के खिलाफ अभियान जरूर चलाइए, कोई भी नशीली चीजों का सेवन गांव के अंदर कोई ना करे, इसके बारे में एक विशेष अभियान आपका प्रारंभ होना चाहिए, बनना चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम अगर आप किसी एक कार्यक्रम के साथ जोड़िए, इसके खिलाफ आप नशा के खिलाफ अभियान चला सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस 2025 तक प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य निर्धारित किया ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ कि हम ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह समाप्त करेंगे। हरेक जनपद में टीबी उन्मूलन का एक विशेष अभियान चलता है, इसमें टीबी से पीड़ित लोगों के लिए सरकार की कुछ स्कीम है, इस स्कीम को उन लोगों तक पहुंचाना। और हर युवक मंगल दल ये तय कर लेंगे अगर कोई भी गांव में टीबी पीड़ित है उस तक हम लोग शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करेंगे, लक्ष्य निर्धारित कर लें, मुझे लगता बहुत बड़ा काम हो सकता है और आपकी ऊर्जा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो पाएगी। मैं एक बार फिर से युवक मंगल दल से जुड़े हुए, महिला दलों से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रतिभागी यहां पर 11 जनपदों से जुड़े हुए प्रतिभागीगण यहां मेरे पास आए थे, इसमें जो है महाराजगंज जनपद, चित्रकूट, वाराणसी, बिजनौर, हरदोई, इटावा, यहां से लोग आए थे। मैंने 5 जनपदों से स्वयं भी बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा इन 5 जनपदों में अच्छा कार्य हो रहा है, जिसमें गोरखपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बांदा, गोंडा अच्छा कार्य युवक मंगल दलों के द्वारा और महिला दलों के द्वारा हो रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में युवक मंगल दल और भी अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। मैं एक बार फिर से विभाग को इस रचनात्मक कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देते हुए, जितने भी युवक मंगल दल आज प्रदेश सरकार की इस रचनात्मक अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, वे सभी अपनी पूरी ऊर्जा एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करने में करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।